बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़े से लोग अब दहशत में दिखने लगे हैं। बिहार के लोग जो कोरोना को लेकर डर में जीकर अपनी ज़िंदगी को मौत की मुंह में धकेल रहे हैं, ऐसे लोग अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर कोरोना के कहर से बच सकते हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट ने माना है कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि कोरोना के डर से मर रहे हैं। है अभी के समय में, तो आप ये दिमाग में रख लो, सोच लो कि ये कोरोना ही है। इसके लिए दौड़ भाग करने और जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आराम से घर में रहिए। सब लोग खाइए पीजिए, खूब पानी पीना है, पैरासीटामोल खाते रहना, उससे कोई हार्म नहीं होता है बॉडी के ऊपर में, आराम से रह सकता है। बस इतनी सी बात है कि ये बीमारी थोड़ा 1 सप्ताह 10 दिन टाइम लेता है, इसलिए उतना दिन आप केयरफुली रहोगे, भाग दौड़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली बच जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को पॉजिटिव आ गया तो रिपोर्ट आने के कितने दिन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, वो पुनः दोबारा टेस्ट करवा सकता है? देखो, अगर किसी कोई पेशेंट आता है, उसको 2-3 दिन से तबीयत खराब लग रही है, तो 4th, 5th, 6th दिन अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी टेस्ट हो, जैसे रैपिड एंटीजन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, दूसरा RT-PCR कर रहे हैं, ये दोनों केस में ही पॉजिटिव आएगा उस पीरियड ऑफ टाइम में। उसके 1 वीक के अंदर में वो ठीक हो जाएगा, हम लोग पैरासीटामोल उसी समय से शुरू कर देंगे। और अगर कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी रहता है लोगों को, तो हम लोग सर्दी वाली दवा सिट्रीजिन जैसा कोई दवा दे देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक, और कुछ नहीं, बस उतना खाता है पैरासीटामोल। टेम्परेचर को डाउन करके रखिए बॉडी को, 5 से 6 दिन में या हद से हद 10 दिन में पेशेंट ऑल टुगेदर ठीक हो जाता है। आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है अगर किसी का पॉजिटिव निकल गया तो? हमारे यहाँ देखो, ये 2 तरह का सेंटर का काम कर रहा है। एक तो ये कोरोना केयर सेंटर है, जिसे आप CCC उसका नाम दिया गया। एक आप हॉस्पिटल मॉड्यूल भी है इसका, तो हम लोग के यहाँ जो पेशेंट आते हैं कहीं से पॉजिटिव होकर करके, तो उसको तो हम लोग होम आइसोलेशन के लिए, अगर पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं है तो होम आइसोलेशन के लिए उसको इनकरेज करते हैं। अगर उसके पास होम आइसोलेशन की जगह है तो हम लोग एक मेडिसिन का एक किट बना के रखा हुआ है, घर OSP बनाया है हमारी सरकार ने, उसको थमा देते हैं, वो जा कर के घर में रहता है और दवा खाता है। अगर उसके पास जगह नहीं रहने के लिए, जैसे कोई काम कर रहा है, सिंगल यूनिट है, चाहे फैमिली उस तरह का नहीं है, तो हमारे यहाँ रह सकते हैं। हमारे यहाँ हॉल है, रूम है, हर तरह का, अलग अलग ढंग का, जिस तरह का है तो आइसोलेशन में डाल देते हैं। उसको अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग उसको ऑक्सीजन सपोर्ट भी करते हैं। बाजार में जो है, और न्यूज़ में, समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर हवा खड़ा कर दिया गया, ऐसे में आप क्या अपील करना चाहते हैं? हवा नहीं है, ऑक्सीजन का जहाँ ज़रूरत पड़ रहा होगा तो वहाँ कमी होगी, हम लोग भी सपोर्ट में देते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन हम लोग को भी बहुत क्राइसिस से उपलब्ध हो पाता है, तो थोड़ा मार्केट में कमी के वजह से हवा तो हो ही जाता है, लेकिन उतना भी उसकी ज़रूरत होती नहीं है इनफैक्ट। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जो कोरोना को लेकर रोज आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, जागरूकता का अभाव। यानी साफ है कि आप जागरूक होकर ही खुद को बचा सकते हैं। जब कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना निकले, साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर ही आप कोरोना से बच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने माना कि जिस हिसाब से कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति तो जरूर कम है। आखिर न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।